कोरोना वायरस महामारी के बीच जब दुनिया फसल में गड़बड़ी के कारण खाद्य संकट से जूझ रही थी, वहीं भारतीय कृषि क्षेत्र ने अपना उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया। हालांकि महामारी के बाद की दुनिया में भारत एक खाद्य निर्यात के स्रोत के रूप में उभरने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि आने वाले वर्षों में भारत आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य पदार्थ के निर्यात के लिए जाना जाएगा। मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत निर्यात के मोर्चे पर आगे बढ़ता रहे और एक शानदार विकल्प पथ पर अग्रसर हो। व्यापारिक निर्यात और कृषि निर्यात एक ऐतिहासिक उच्च स्तर पर है और चीन की निर्यात पर निर्भरता भी दम तोड़ रही है। इसी क्रम में रविवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण और रसायनों के उच्च शिपमेंट पर 2021-22 के वित्तीय वर्ष में भारत का व्यापारिक निर्यात 418 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। भारत का माल व्यापार 2021-22 के दौरान 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, क्योंकि देश का आयात भी 610 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं शाश्वत सिंह आपको बताऊंगा कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री के नीतियों के चलते निर्यात क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बना रहा है और कैसे भारत के किसान अब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मार्च 2022 में आउटबाउंड शिपमेंट 40.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मासिक उच्च स्तर को छू गया। वहीं मार्च 2021 में निर्यात 35.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2020-21 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 292 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। इस साल 21 मार्च को भारत का व्यापारिक निर्यात 400 अरब डॉलर के लक्ष्य को पार कर गया था। प्रमुख निर्यात क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग, रत्न और आभूषण, रसायन और फार्मास्यूटिकल शामिल है। आपको बता दें कि शीर्ष निर्यात गंतव्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, नीदरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, यूके, बेल्जियम और जर्मनी है। पीयूष गोयल ने कहा, चालू वित्त वर्ष में भारत से व्यापारिक निर्यात 417.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो भारत के निर्यात इतिहास में सर्वकालिक उच्च दर पर है। गोयल ने कहा कि निर्यातकों और उद्योग संघों के प्रयासों, विभिन्न विभागों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय से यह उपलब्धि हासिल हुई है। गोयल ने कहा, कोविड की लगातार लहरों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत के व्यापारिक व्यापार प्रदर्शन ने प्रभावशाली वृद्धि दिखाई है और निर्यात अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान लगातार 12 महीनों तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर रहा है। वहीं अप्रैल 2021 मार्च 2022 के दौरान कृषि निर्यात 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश का गेहूं निर्यात 100 लाख टन को पार करने की संभावना है। 2020-21 में 21.55 लाख टन के मुकाबले 2021-22 में निर्यात पहले ही 70 लाख टन को पार कर चुका है। पीयूष गोयल ने कहा, हम बड़े पैमाने पर गेहूं का निर्यात करना जारी रखेंगे और उन देशों की जरूरतों को पूरा करेंगे जो संघर्ष क्षेत्रों से अपनी आपूर्ति नहीं प्राप्त कर रहे हैं। और मेरी अपनी समझ है कि हम शायद अपने गेहूं के निर्यात को 100 लाख टन से अधिक आराम से पार कर लेंगे। यह ध्यान रखना उचित है कि वैश्विक बाजारों में कृषि वस्तुओं की भारी मांग है, क्योंकि कई प्रमुख कृषि उत्पादक या तो जलवायु समस्याओं से या भू राजनीतिक मुद्दों का सामना कर रहे हैं। इस चल रही गड़बड़ी के बीच भारत दुनिया भर के देशों को भोजन के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। वहीं जब से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, गेहूं उत्पादन और निर्यात महंगा हो गया है। कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन वैश्विक गेहूं निर्यात का लगभग 30% हिस्सा बनाते हैं। पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है और यूक्रेन ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे दुनिया को, विशेष रूप से यूरोप को, एक बहुत ही क्षति का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि जब दुनिया भर में यूक्रेनी और रूसी गेहूं की आपूर्ति की अनुपस्थिति के
के कारण शून्य को भरने की बात आती है तो भारत को अन्य देशों पर अधिक लाभ होता है। आपको बता दें कि रबी की फसल पिछले कुछ हफ्तों में मंडियों में पहुंचनी शुरू हो गई है और अप्रैल के अंत या मई के मध्य तक पूरी तरह से कट जाएगी। इस बीच वैश्विक उत्पादक अभी भी अपनी फसलों की कटाई के लिए जून जुलाई की अवधि का इंतजार कर रहे हैं, जो अगस्त सितंबर तक बाजारों में पहुंच जाएगी। इससे भारत के पास अपने बेहतर गेहूं के साथ वैश्विक बाजारों में निर्यात करने का अवसर है। भारत पहले से ही मिस्र को गेहूं का निर्यात शुरू करने के लिए अंतिम बातचीत कर रहा है। वहीं मोदी सरकार गेहूं का निर्यात शुरू करने के लिए तुर्की, चीन, सूडान, नाइजीरिया और ईरान जैसे देशों के साथ भी चर्चा कर रहा है। आपको बता दें कि भारत आने वाले वर्षों में प्रभावशाली निर्यात संख्या हासिल करने के लिए तैयार है। एक समय था जब भारत को पश्चिम के अमीर और शक्तिशाली देशों द्वारा अपनी आबादी का पेट भरना पड़ता था, लेकिन आज वही भारत दुनिया के तथाकथित महाशक्तियों को उच्च गुणवत्ता वाले अनाज का निर्यात करेगा ताकि उनकी आबादी भूख के कारण बर्बाद ना हो जाए। आज जिस तरह से भारत का निर्यात वैश्विक स्तर पर साकार हो रहा है, उसकी बीज केंद्र की मोदी सरकार द्वारा फैसले के बाद आया है, जब भारत भी आत्मनिर्भरता के साथ अपना उत्पाद निर्यात करता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में बहुत प्रगति हो रहा है।